नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज इंडिया टुडे। आइए देखते हैं आज की ये खास रिपोर्ट। एमक्यू इंटर कॉलेज सेवहरा में किया गया हज यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण और टीकाकरण। सभी के चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य की जांच कर ऑनलाइन डेटा राशि ईडीईओ द्वारा पोर्टल पर फीड किया गया। शासन के आदेश के क्रम में हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का टीकाकरण एमक्यू इंटर कॉलेज सेवहरा में किया गया। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर बीके स्नेही ने बताया कि महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ और सीएमओ बिजनौर के आदेशों के अनुपालन के क्रम में वर्ष 2024 में हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का निःशुल्क टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य विभाग सेवहरा द्वारा किया गया। इस दौरान वैक्सीन दवाइयां इत्यादि जिला बिजनौर स्तर से मुहैया कराई गई तथा जिले से डॉक्टर सैयद अली शाकिर एपिडेमोलॉजिस्ट IDSP अनुभाग बिजनौर के साथ उनकी टीम में मीना कुमारी ANM के द्वारा एमक्यू इंटर कॉलेज में 162 हज यात्रियों का टीकाकरण किया गया। इस दौरान डॉक्टर स्नेही ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवहरा से एक टीम शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शिवहरा की डॉक्टर मीनाक्षी सिसोदिया के नेतृत्व में अंजलि अल्पना ANM BCPM सुधीर कुमार हेल्थ सुपरवाइजर वीर सिंह राजेश कुमार फार्मासिस्ट हरीश रोहियाल योगेश कुमार फारूक के साथ डाटा ऑपरेटर राशि प्रजापति भी टीम में शामिल रही। राशि प्रजापति द्वारा पूरा डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर फीड किया गया। आज हज पर जाने वाले यात्रियों का टीकाकरण आज हमारे यहाँ पर हज जो यात्रा पर जाने वाले लोग हैं, हज यात्री हैं, उनके लिए विशेष टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया था। शासन से आदेश प्राप्त हुए थे, उसी क्रम में हम लोग कैंप लगाए हैं। इससे जिले स्तर से एक टीम आई है, उसे पूरी वैक्सीन वहीं जिले से सप्लाई की गई है, जिसमें हमने पोलियो की ड्रॉप भी पिलाई है। दो मैंने गोकल वैक्सीन होती है, मैंने नाइट स्टीव लगवाई है और उनको करीब 162 लोगों को वैक्सीन यहाँ अभी तक लगाई जा चुकी है। ये कैंप चल रहा है, जो लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पाए उनकी कैसे लगेगी? उनका जिला स्तर पर लगेगी। भाई क्या मुझे अभिषेक दिया है, चाचा अशोक का नंबर।